देखो गाइस, सिकंदर मूवी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसमें बताया जा रहा है कि सिकंदर मूवी का विलन कंफर्म हो चुका है। जी हाँ, सिकंदर मूवी का विलन कंफर्म हो चुका है, जो कि आपको आगे आगे बताएंगे कि वो कौन होने वाले हैं। लेकिन एक हिंट आपको दे दूँ कि ये एक बहुत बड़े एक्टर हैं, वो भी साउथ के। जी हाँ, वाह क्या इन्होंने कोलेबोरेशन बनाया है कि साउथ से विलन उठा लिया और बॉलीवुड से एक हीरो को उठा लिया। हीरो कौन? सलमान खान एज अ सिकंदर। जी हाँ, सिकंदर मूवी के आपको पता है कि बहुत सी अपडेट सब निकल कर आ रही है कि इसका एयर सीक्वेंस कैसा होने वाला है, एक्शन सीक्वेंस कैसा होने वाला है, इसमें काम करने वाले एक्टर कौन कौन से हैं। हर मरतबा एक नई से नई अपडेट आ रही है कि इसमें ऋतिक रोशन या फिर कोई और भी एक्टर, सुनील शेट्टी, कोई ना कोई ज़रूर इसमें कास्ट किया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है। इस तरह की आपको बहुत सी अपडेट्स निकल रही होंगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम इस वाली अपडेट में बात करें, तो भाई लोग, सिकंदर मूवी का विलन कन्फर्म हो चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, कमल हसन साहब इसमें सिकंदर में विलन का रोल निभाने वाले हैं, जो कि इस बात को कंफर्म ऑफिशियली कर दिया गया है, जो बहुत ही बड़ी बात है। जी हाँ, सिकंदर मूवी में वो भी कमल हसन एज अ विलन। आपको पता है कि कमल हसन की प्रीवियस मूवीज कितनी ज़्यादा फाड़ू गई थी। जी हाँ, कितनी ज़्यादा दमदार मूवी थी, उन्होंने जो भी मूवी थी ब्लॉकबस्टर हुई है, चाहे वो एटली के साथ हो या फिर किसी भी के भी साथ, जो भी मूवी है वो ब्लॉकबस्टर ही गई है। किसी एक मूवी में भी अभी तक कम रिकॉर्ड या फिर आप कह सकते हैं कि फ्लॉप होने का तो नाम ही नहीं है इनमें, कमल हसन साहब में। आपको पता है कि लेटेस्ट मूवी जो कल की है, इसमें सिर्फ दो सीन इनके हैं। जी हाँ, कमल हसन के एज अ विलन में दो सीन, और दो सीन्स की वजह से मूवी अभी तक चल रही है। जी हाँ, अभी तक तकरीबन 700 करोड़ उस मूवी ने कमा लिया। आप हिसाब लगा लें कि कमल हसन की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है और कितना लोग इनको आप कह सकते हैं कि प्यार करते हैं, और इनकी विलन के रूप में किस तरह की एंट्री होगी, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जी हाँ, आपको पता है कि लेटेस्ट कुछ मूवीज़ आई थी कमल हसन की, जो बहुत अच्छी परफॉर्म कर गई थी। अब इनको विलन की साइड में देखने में के लिए, वो भी सिकंदर में एज अ सलमान खान के बिल्कुल ओपोजिट देखने में क्या मज़ा आने वाला है भाई लोग, ये हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब तो बस हम ये देख रहे हैं कि ये मूवी कब तक आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2025 में ऑलमोस्ट आएगी ये मूवी, वो भी ईद के दिन, और कुछ लोग कह रहे हैं कि 2026 तक जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, बहुत बड़े एक्टर्स का नाम जुड़ने वाला है और बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स का भी नाम जुड़ने वाला है, जो काफ़ी मज़ेदार बात होने वाली है।